चलिए डियर, हम लोग बात करते हैं। आज का प्रोग्राम है आज हमारा कि राइट ए प्रोग्राम इनपुट टू नंबर फ्लोटिंग पॉइंट एंड कैलकुलेट देम। मतलब हमको ऐसा दो नंबर लेना है जो फ्लोट पॉइंट में हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या इनपुट करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनपुट करेंगे और उस फ्लोट पॉइंट नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे या कैलकुलेट करेंगे या सम करेंगे, ठीक है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, पहले हेडर फाइल तो लगा ही लेते हैं। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एस, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एस, वाइड मेन फंक्शन हमने लगाया, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि हमारा जो डेटा टाइप है वो कौन सा टाइप है। तो हमारा यहाँ जो डेटा का टाइप है वो क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट है। तो हमने यहाँ पे क्या डिफाइन कर लिया, इंटीजर की जगह पे क्या रख दिया, फ्लोट रख दिया। इंटीजर की जगह पे हमने क्या डिफाइन कर लिया, फ्लोट रख दिया। यहाँ पे फ्लोट में हमने दो नंबर लिया एन वन कामा एन टू और दोनों नंबर को हमने सम कर दिया, ठीक है, कामा करके हमने यहाँ पे सम करा दिया। अब इतना जब आपको समझ में आ गया हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे हम एक लोग क्या, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार मैसेज दे देंगे। मैसेज के लिए हमें क्या करना है, प्रिंटएफ फंक्शन का यूज करना है। हमने यहाँ पे प्रिंटएफ फंक्शन लगा दिया। प्रिंटएफ फंक्शन में हमको क्या देना है, इंटर टू नंबर, क्या देना है, इंटर टू नंबर। हमने यहाँ पे इंटर टू नंबर लगा दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इंटर टू नंबर लगा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंटअप देने के बाद तुरंत स्कैनअप फंक्शन दे दीजिए। हमने यहाँ पे स्कैनअप फंक्शन लगा दिया। स्कैनअप में क्या देना है, परसेंट एफ कामा एंड एन वन कामा एंड एन टू, ठीक है, यही काम हमको करना है, एंड एन वन कामा एंड एन टू। अब क्या करेंगे, सम इक्वल टू, अब क्या करेंगे, सम इक्वल टू, हमको दोनों फ्लोट पॉइंट को ऐड कर देना है, एन वन प्लस एन टू, एन वन प्लस एन टू को हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, ओके। अब प्रिंट अप मैसेज दे दो, क्या दे दो भाई, प्रिंट अप मैसेज दे दो तुरंत। ओके, हमने यहाँ पे प्रिंट अप मैसेज दे दिया। चलिए प्रिंट ऑफ में क्या देंगे, प्रिंट ऑफ में क्या दे देंगे डियर, प्रिंट ऑफ में हम लोग यहां पे दे देंगे सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ टू नंबर क्या देना है, सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू परसेंट एफ अब किसको प्रिंट कराना है, सम को प्रिंट कराना है, सम को प्रिंट करा दिया, ओके, गेट सी एच। चलिए ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। जब इसे हम लोग रन कराएंगे तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, देख लेते हैं आउटपुट। आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग क्या इनपुट करेंगे, नंबर इनपुट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, नंबर इनपुट करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे आपसे कहेगा इंटर टू नंबर, इंटर टू नंबर आपसे पूछेगा, आपको देना है 10.5, क्या देना है, 10.5 प्लस 10.3 ना, एक क्या देना है 10.3। अब ये दोनों को जब सम करेगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो भाई, 20.7979 हो जाएगा ना, 20.7979
7979। ओके, यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो इसी तरीके से हम किसी कितने भी फ्लोट वैल्यू को जोड़ सकते हैं। तो चाहे हम दो नंबर को जोड़ें, चाहे चार नंबर को जोड़ें, जैसे हम इंटीजर का यूज करते थे वैसे हम फ्लोट का भी करेंगे। ओके, तो डियर आज के लिए इतना ही। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया।